बजट पर गरजे सचिन पायलट। साल का अंतिम बजट पेश हो गया है और ऐसे में कई नेताओं के कई बयान सामने आ रहे हैं। एक पक्ष है जो वित्त मंत्री को काफी सराहना दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक पक्ष बजट की अवहेलना कर रहा है। और हाल ही में बजट को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। खबर की पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए वीडियो को एंड तक। मैं हूं आपके साथ देविका और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि यह अंतरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो मुझे एक चुनावी भाषण लगा। अगर अपनी सरकार का गुणगान ही करना है, वो तो हर सभा में भाजपा के नेता करते हैं। मुझे उम्मीद थी कि अंतिम बजट में भी ऐसे कदम ले सकते थे जिनसे लोगों को राहत मिले। ना तो उसमें महंगाई कम करने के उपाय बताए गए और ना ही रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया गया। ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया गया और अपनी पीठ थपथपाई है। पूरे इस भाषण में कुछ ऐसा निकल कर नहीं आया जिसकी जनता को कोई उम्मीद जग सकती है। जिस प्रकार यह सरकार कह रही है कि अगला बजट हम बाद में पेश करेंगे, उससे कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास दिखता है। सरकार के पास, वित्त मंत्री जी के पास एक ऐसा मौका था जिसमें किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत दी जाए। और जब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए और नौजवानों के लिए कोई राहत सहायता नहीं दी गई है, कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। अधिकांश बजट में अपना गुणगान किया, अपनी कार्यकाल की सफलताओं को किया, जैसे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण को भी राजनीतिक भाषण की तरह इस्तेमाल किया हो। बजट का भाषण भी पूरी तरह राजनीतिक की तरह चुनावों को लेकर भाषण दिया गया। सचिन पायलट के बयानों को आप भी देखिए। बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, इस देश में जो चल रहा है, विपक्ष के पार्टी के नेताओं को जबरदस्ती झूठे केस लगाकर, दबाव बनाकर, एजेंसीज का दुरुपयोग कर उनको घेरने की कोशिश की जाती है, उनका चरित्र हनन किया जाता है। और जो चंडीगढ़ में हुआ, जो वैलिड वोट्स को निर्वाचन अधिकारी खुद खराब कर रहे हैं और फिर बहुमत के बावजूद भी भाजपा वहाँ जीत जाती है, जिस तरह विपक्ष के नेताओं का दबाव बनाकर अपने साथ जोड़ा जाता है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, नेताओं को इनकम टैक्स, CBI, ED के शिकंजे में फंसाने की कोशिश की जाती है, और जो जिस तरह से पूरा घटनाक्रम झारखंड का हुआ, वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है, सरकारें आई हैं चली जाएंगी, पार्टियां बनती बिगड़ जाती हैं, लेकिन देश के 70 साल में जिन संस्थाओं को पोषित कर इतना बेहतर बनाया गया, उन सबको खोखला अगर हम लोग कर देंगे और इस तरह ओपन मिसयूज होगा, हर जगह इंटरफेयर होगा, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं उन पर हो, तो ये बहुत गलत संकेत है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 95% जो केसेस हैं, नोटिसेस हैं, रेड्स मारी की जाती हैं, वो 95% विपक्ष के नेताओं पर की जाती है, तो ये कोई संयोग नहीं हो सकता, इट कान बी अ कोइंसिडेंस। इसलिए देश भी इस पूरे मामले को देख रहा है और जिस प्रकार से राजनीति हो जा रही है, दबाव की राजनीति, आक्रमण की राजनीति, टकराव की राजनीति, ये गलत संकेत है हमारे लोकतंत्र के लिए। सर, भजनलाल शर्मा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने लगातार जो कांग्रेस पार्टी का आरोप लगाए थे, पर्ची सरकार, उन्होंने कहा धरती सरकार है, धरती पुत्रों की सरकार है। सर, इतनी अगर धरती पुत्र सरकार थी तो चलते चुनाव में आचार संहिता लगी हुई थी, अपने उम्मीदवार को मंत्री बना दिया और उपचुनाव में हमारा उम्मीदवार जीत कर गया। अगर इतना बहुमत जनता साथ थी तो उपचुनाव में ज़्यादातर रूलिंग पार्टी जीतती है। और जिस आचार संहिता में आप एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप वहाँ पे अपने उम्मीदवार को मंत्री बना दें, बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है, ये संकेत देता है कि जनता को आप ये मत समझिए कि सारा वोट हमारी जेब में है। भाषण देना अलग बात है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि हमने अच्छा चुनाव लड़ा था, हम 70 विधायक जीत कर आए हैं, तो अपना ही गुणगान करना वो अलग बात है। लेकिन जो अभी कन्फ्यूजन चल रहा है सरकार के अंदर, 1.5 महीना हुआ नहीं है, पहले तो मुख्यमंत्री बनने में समय लगा, फिर मंत्री बनने में समय लगा, फिर डिपार्टमेंट बांटने में समय बना, और आज भी अधिकांश जो फ्रंट बेंच है सत्ताधारी दल की, वो रूठी हुई है। AG, AG तक नियुक्ति छोड़ दीजिए, जो कन्फ्यूजन चल रहा है, जो दिशाहीन कर रहे हैं, और लोकसभा से ठीक पहले आप आनंद फानन में MOU साइन कर दें, MOU पर चर्चा सदन में हो रही है, लेकिन MOU रखा नहीं गया। आप चर्चा उस डॉक्यूमेंट पे करना चाह रहे हैं जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। आपने ERC पे जो स्टेटमेंट आए, आप, मैं भाजपा के नेताओं को आवेदन करना चाहता हूँ कि आपने चुनाव से पहले जो भाषण दिए थे,
कितना पानी आपने राजस्थान के लिए मांगा था जब हमारी सरकार थी, और जब आप एमओयू साइन कर रहे हैं अब आपने कितना कमिटमेंट किया है। तो सिंचाई हो, इंडस्ट्री का हो, पीने का पानी हो, हर जगह राजस्थान का हक अगर मारा जाएगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ प्रगति हो, विकास हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें आप सिर्फ चुनाव से पहले जल्दबाजी में एमओयू कर दें और दिखाने के लिए अपना वाहवाही लूटने के लिए घोषणा करें वो बिल्कुल उचित नहीं है। राजस्थान के लोगों के हितों के साथ आप कुठाराघात नहीं कर सकते हैं, ये बात स्पष्ट है। और भाजपा की सरकार अगर समझती है कि वो इस चुनाव से पहले सब वाहवाही लूटने के लिए काम कर लेगी और लोगों का हित ध्यान नहीं रखेगी तो गलत कर रही है, उसका विरोध हम लोग करेंगे। सर आखिरी सवाल है, राज्यसभा की भी इलेक्शन को लेकर नोटिफिकेशन आ गया, तो कांग्रेस में कौन राजस्थान में कब तक उम्मीदवार जो है वो एक सीट लगभग माना जा रहा है कांग्रेस? समय चलते ही पता पड़ जाएगा आपको, और मुझे लगता है जो जो भी व्यक्ति को पार्टी मौका देगी वो राजस्थान के हितों की रक्षा करेगा। सर ज्ञानवापी, साथ ही आगे सचिन कहते हैं कि यहाँ बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है जो देश में चल रहा है। विपक्ष की पार्टी के नेताओं को जबरदस्ती झूठे केस लगाकर दबाया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनके घेरने की कोशिश की जा रही है, उनका चरित्र हरण किया जा रहा है। सचिन पायलट के इस पूरे बयान पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहिए राजस्थान संवाद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यह आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहां पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंस से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।